हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम 2007 वर्जन आज यूज करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। वन टू मेनी के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, तो आज की ये वीडियो वन टू वन रिलेशनशिप को लेकर के है। तो एक टेबल बना दिया टेबल वन के नाम से, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कंट्री आईडी। क्या डाल दूंगा? कंट्री आईडी। तो ये हो गया कंट्री आईडी, और यहाँ पे ऑटो नंबर रखते हैं और यहाँ पे लाते हैं कंट्री का नेम। तो यहाँ लिखा कंट्री नेम, ओके, ये कर दिया हमने। और यहाँ टेक्स्ट डेटा टाइप रखा, और यहाँ पे कंट्री पॉपुलेशन ये दे दिया हमने, ओके। तो ये हो गया, ये तीन फील्ड हमारे पास हो गए। यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप रख लिया हमने, और यहाँ पर जाकर के आप चाहे तो यहाँ पे चीजों को फिल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए कंट्री नेम कर दिया इंडिया, और इंडिया तो यहाँ पे मैं डालूंगा, तो यहाँ पे ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की, तो नियर अबाउट। अब ये कोई सही आंकड़ा एकदम से नहीं है, अब इधर उधर हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 90 करोड़, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कर देता हूँ रशिया, तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ जापान, और यहाँ पर कर देता हूँ लाइक इस तरीके से। और फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पे कर देते हैं नियर अबाउट 75 करोड़। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये जो टेबल बन चुकी है इसको सेव कर लिया, अब इसको क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ से ये क्लोज कर दिया हमने, अब एक नई टेबल बनाते हैं। तो यहाँ से जाएंगे टेबल पर, और यहाँ से टेबल एक बना लेंगे, व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे आ गए। अब ये टेबल टू ही नाम रहने देता हूँ, और यहाँ पर अब हमको टेबल टू बनानी है जो कि कैपिटल की टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे, अब देखिए कैपिटल आईडी देंगे यहाँ पे, ये दे दिया मैंने कैपिटल आईडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे ये ऑटो नंबर, और यहाँ पे नंबर रख लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे कंट्री आईडी फिर हमें देनी होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं कंट्री आईडी, ठीक है। तो यहाँ दे देता हूँ CountryID, कंट्री आईडी, इस तरीके से। तो ये कंट्री आईडी और कैपिटल आईडी दोनों हमने दे दिया। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे नंबर डेटा टाइप, ओके। और यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ पर टेबल वन जब मैं बना रहा था तो यहाँ पे कंट्री आईडी में हमने क्या दिया था, तो यहाँ पे दिया था ऑटो नंबर, तो वहां पे नंबर डेटा टाइप आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आ गए और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर कैपिटल आईडी आपको डालनी है, तो कैपिटल आईडी सपोज कीजिए 1001 है और कंट्री आईडी 1 है, और फिर यहाँ पे 1002 हो गई कैपिटल आईडी, और यहाँ पे कंट्री आईडी हो गई 2, फिर यहाँ पे किया मैंने 1003 और यहाँ पे कंट्री आईडी हो गई 3। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये 1004 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4। तो अब इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, डेटाबेस टूल्स पे चलते हैं, इन दोनों टेबल्स को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ये क्लोज कर दिया हमने इस तरीके से। अब डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे, टेबल वन ले लिया और टेबल टू ले लिया, दोनों ही ले लिया हमने। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि रिलेशनशिप अगर हम बना रहे हैं तो उसके भी पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ना टेबल टू जो हमने बनाया, यहाँ पर भी हमने कैपिटल आईडी को प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आईडी पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमने कंट्री आईडी को यहाँ प्राइमरी की बनाना है, तो ये कंट्री आईडी को बना दिया, यहाँ पे कैपिटल आईडी प्राइमरी की थी, कंट्री आईडी को कर दिया। और यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड नहीं होंगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे जाकर के ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और फिर अब चलेंगे हम डेटाबेस टूल्स पर, रिलेशनशिप पे चलेंगे, और इन दोनों को यहाँ से लेके आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर कंट्री आईडी है और यहाँ पर भी कंट्री आईडी है, ठीक है। तो इस कंट्री आईडी को इस कंट्री आईडी से ला करके यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वन टू वन रिलेशनशिप ये बिल्ड हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ वन टू वन रिलेशनशिप है, क्या लिखा हुआ है, वन टू वन। अब तक जो वीडियो बनाया मैंने उसमें वन टू मेन ही लिखा हुआ आता था, यहाँ पर वन टू वन लिखा हुआ आ रहा है। पहले इस टेबल को क्लोज कर लेता हूँ, सेव करके, और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसको वहां से उठा के लाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये वन टू वन रिलेशनशिप आपकी हो गई बिल्ड, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर जाइएगा तो क्या फायदा होगा, यहां पर देखिए प्लस का साइन आ रहा है, तो यहां पर जाइएगा तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी कैपिटल आईडी साथ में आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कराया जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।